वाटर पार्क। आप देख सकते हो पीछे हम ब्लीस एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क में आए हैं और आज हम बहुत फन करने वाले हैं। सो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, उसकी रेट क्या है, प्राइस क्या है, खाना क्या है और राइड्स कैसी है और कितना मज़ा आता है। सो आप लोग बने रहिएगा मेरे वीडियो में। ओके, चलो चलते। जैसे ही अंदर एंटर होते ये इसका मैप है और यहाँ पे उसका पूरा गेट दिखता है, हमें उसके अंदर जाना होता है। और फिर उसके लेफ्ट साइड में अगर हम जाए तो वहाँ पे है टिकट काउंटर। आप संडे को जाओगे तो आपको 1000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे और आप मंडे टू सैटरडे जाओगे तो आपको 800 रुपीज़ ही देने पड़ेंगे। तो मंडे टू सैटरडे बेस्ट टाइम है, वहाँ पर ज़्यादा रश भी नहीं होता है और संडे को बहुत भीड़ होती है। और इस तरीके से बच्चों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ था कि 3 फीट से अगर कम साइज़ के हो गए तो उनको फ्री में जाने को मिलेगा, तो वो आप अपने हिसाब से देख लेना। और टाइमिंग की बात करें तो टाइमिंग यहाँ का 10:30 to 5:30 तक ये ओपन रहता है। ये उसके बैक साइड है और फिर बैक साइड में जब हम अंदर जाते हैं तो यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड में आता है कॉस्ट्यूम के लिए। कॉस्ट्यूम भी आपको अपने रेंट पे लेना होता है। तो कॉस्ट्यूम की रेंट की बात करें तो वो 150 रुपीज़ उसका रेंट है और 200 रुपीज़ उसकी डिपॉजिट है। और आपको लॉकर भी लेना होता है, उसमें भी 150 रुपीज़ आपकी रेंट है और 150 रुपीज़ आपकी डिपॉजिट है। तो वो डिपॉजिट जो लेते हैं ना, वो तो जब आप अपना कॉस्ट्यूम और जो लॉकर की है वो वापस करते हो तो वो लोग आपको डिपॉजिट तो वापस दे देंगे, तो आपको सिर्फ रेंट ही पे करना पड़ेगा। आपकी साइज़ के हिसाब से आपको कॉस्ट्यूम मिल जाएगा यहाँ। तो अब हमने अपना कॉस्ट्यूम ले लिया है, सबने अपना अपना, अब हमें इसे चेंज करना है और फिर चेंज करके हम जाएंगे वाटर पार्क में। ये और यहाँ से ये सारे कॉस्ट्यूम मिलेंगे, इस तरफ जो दिख रहा है ना वहाँ से सारे कॉस्ट्यूम आपको मिलेंगे। बहुत ही अच्छा क्यूट है, शॉर्ट्स जैसा एंड इस तरह का। अगर आपको टू पीस में चाहिए तो भी मिलेगा, 1 पीस में भी मिलेगा। आपको जैसा चाहिए वैसा, साइज भी सारी अवेलेबल है, आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा। और बॉयज़ के लिए आपको शॉर्ट्स चाहिए तो शॉर्ट्स भी मिलेगा, शॉर्ट्स एंड टी शर्ट दोनों भी मिलेंगे, तो आपकी चॉइस है। और आप घर से भी अपना लेके आना चाहते हो तो लेके आ सकते हो, आपकी इतने पैसे बच जाएंगे। मैं तो कहती हूँ घर से ही लेके आओ क्योंकि वही अच्छा लगेगा। और फिर चले हम वाटर पार्क के अंदर। हम बहुत ही एक्साइटेड थे, बहुत ही मजा आने वाला है। जैसे ही अगर हम एंटर होते हैं, स्टार्टिंग होता है किड सेक्शन, सभी किड्स के लिए सारी राइड्स और सब कुछ किड्स के लिए होता है, उसमें बड़े लोगों को जाने नहीं देते। बट मैं ज़बरदस्ती गई थी एक राइड में, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कौन सी राइड में गई थी। ये वाली है ना, बस इसमें वो भैया वहाँ पे खड़े हैं ना, वो नहीं जाने देते, आपको रोक लेते, पर फिर भी मैंने कर लिया था, उनको मना लिया था और फिर एक राइड कर ली। बहुत मज़ा आता है, किड्स में भी बहुत मज़ा आता है। ये किड्स का है और यहाँ पे भी जो है वो किड्स का है, वहाँ पे भी बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ही। ये आई एम सुपर एक्साइटेड और सारी राइड्स में बैठी है। किड्स सेक्शन में तो हमने बहुत सारा फ़न किया और फिर यहाँ पे फ़न करने के बाद अब हम लोग आगे जा रहे थे। तो आगे जैसे ही जाते तो यहाँ पे आता है एक और, जिसमें किड्स भी जा सकते हैं और बड़े भी जा सकते हैं, दोनों लोग जा सकते हैं। वहाँ किड्स वाले में तो राइड में हमें अलाउ नहीं करते थे, बट यहाँ पे किड्स को भी अलाउ करते हैं और बड़े को अलाउ करते हैं। यहाँ पे ये जो मेरे पीछे दिख रहा है ना, वहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत सारे फैमिली के लोग और छोटे बच्चे खेल रहे, क्योंकि ये फैमिली के लिए बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि जो बच्चे छोटे होते हैं उनको लेके यहाँ पे अपने मॉम डैड वो सब लोग बैठ सकते हैं, उनके साथ में खेल सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो इसीलिए ये वाला भी बहुत बेस्ट है। ये बाल्टी वाला तो बहुत ही बेस्ट है यार, ऊपर से पूरी बाल्टी हमारे ऊपर गिरती है और इतना पानी, बहुत मज़ा आता है इसमें। बट ये बाल्टी फिलअप होने में बहुत टाइम लगाती है, बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, तब जाके ये हमारे ऊपर गिरती है, बट मज़ा बहुत आता है इसमें। और फिर अगर आगे हम देखें तो इस तरह कैसे सारी राइडें होती है, ये बहुत बड़ी भी नहीं है, बहुत छोटी भी नहीं है, आपको मज़ा भी बहुत आएगा और आपके बच्चों के साथ आप फन भी कर सकते हो। Yeah.
यहाँ पे फन करने के बाद हम जा रहे हैं वेव्स पूल की तरफ। वेव्स पूल में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा फन होता है। मैं बोल के नहीं, आपको दिखा के बताती हूँ कि कैसा होता है वो। ये देखिए आप लोग, क्या नज़ारा है। ऐसा लग रहा है कि हम सच में बीच पे आ गए, कुछ इस तरह की सी वाइब है उसकी। और बहुत मज़ा आता है, वेव्स आती है तब तो बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ पे बीच में ऐसे डीजे बजता रहता है और दोनों तरफ पार्टीशन है। वन साइड फैमिली वाले सारे लोग रहते हैं और वन साइड बॉयज सारे रहते हैं, तो अगर कोई फैमिली में आया तो वो अनकंफर्टेबल फील ना हो इस वजह से। और वेव्स जो होती है ना, उसका ड्यूरेशन होता है वन आवर के बाद आती है 5 या 10 मिनट के लिए। तो वो जब आने वाली होती है तो वो लोग एक सायरन टाइप का बजाते जिससे सबको पता चल जाता है कि अब वेव्स स्टार्ट होने वाली है। तो कहीं और पे कोई लोग हो और उनको वेव्स का मज़ा लेना हो तो फिर वो वापस आके यहाँ पे उसके अंदर आ सकते हैं सायरन बजते। हम लोग हॉलीडे पे नहीं गए थे फिर भी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश था, तो आप सोच लेना कि अगर आप सैटरडे संडे जाओगे तो कितना रश होगा। और राइड में भी बहुत ही ज़्यादा लाइन लगती है, तो आप उस हिसाब से जाना, हो सके तो आप हॉलीडे पे मत जाना। लंच करने का टाइम हो गया क्योंकि बहुत सारी राइड करने के बाद अब हमें बहुत ही भूख लगी है, तो हम अब कुछ खाएंगे एंड देन उसके बाद फिर से मजे लेंगे। लंच के बारे में बात करें तो यहाँ पे फिक्स थाली मिल रही थी, पंजाबी थाली, तो वो आप ले सकते हो। उसकी प्राइस थी 250 रुपीज़। और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हो कि किसकी क्या प्राइस है और अपने हिसाब से आप ले सकते हो आपको जो भी लेना है वो। हमने कुछ इस तरीके से मंगवाया था थोड़ा सा खाना, और फिर खाना भी बहुत टेस्टी था और ज़्यादा प्राइस भी नहीं थी, अफोर्डेबल था। आपको जो चाहिए वो यहाँ पर मिल जाएगा अच्छे से, और आप बाहर से कुछ नहीं ला सकते हो यहाँ पर, बस ये याद रखना। खाना खाते ही अब हम सब लोग चले थे बड़ी बड़ी राइड्स करने के लिए। ये ग्रीन वाली राइड है वो अब हम करेंगे। इस वाली राइड में हम 2 पर्सन जा सकते हैं, ऐसे ट्यूब लेके 2 पर्सन को जाना होता है। ऐसी बहुत सारी राइड होती है जिसमें 2 पर्सन को जाना पड़ता है। मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रही थी क्योंकि यहाँ पे मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई नहीं देगी। आप देख ही सकते हो कि कितना सारा शोर हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डीजे बजता रहता है और ये सब कुछ। यहाँ पे मैं ये बात कर रही थी कि हम जब जाते हैं ना राइड में तो राइड का मज़ा बहुत आता है, बट ये जो हमें सीढ़ियाँ चढ़ती पड़ती है ना, ओ भाई क्या कहो, हम थक जाते हैं उसे चढ़ने में। और दूसरी ऊपर से वहाँ पर लाइन होती है, लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। इस वजह से वेव्स पूल सबसे बेस्ट है। और ये देखो, ये सबसे बड़ी वाली राइड है, इसमें तो हम पूरे हवा में लटके हुए थे। और ये सबसे खतरनाक वाली भी राइड है, बट हमने ये वाली कर दी अच्छे से। हम डर रहे थे करने में, बट फाइनली हमने कर ही दी और बहुत ही मजा आया ये वाली करके। ओ भाई, जोर बहुत ही खतरनाक राइड थी, माय गॉड, बहुत ही खतरनाक थी, बट मजा बहुत आया। फाइनली मैंने खतरनाक राइड कर दी। ये अब इससे भी और खतरनाक राइड मैं आपको दिखाती हूँ, इसके अंदर में जाने वाली हूँ। ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ना आप राइड, हम उसमें जाने वाले। यस, आपने सही सुना, हम उसमें ही जाने वाले, ये बड़ी वाली राइड में। बहुत बड़ी है और ऐसे गोल गोल घूम के आती है, सर पूरा चक्करा जाता है, बट फिर भी हमने की थी और मज़ा भी बहुत आया था। अब देखिए आगे आगे क्या क्या होता है। वो राइड में बैठने के लिए 4 पर्सन चाहिए, 4 पर्सन ही उसमें बैठ सकते हो। इस तरह से 4 लोगों को बैठना होता है। तो फिर हमने भी एक ट्यूब ले ली और फिर हम 4 लोग बैठ गए, हमारा ग्रुप जो था वो, और फिर रेडी हो गए। और वो सारा क्लच और सारे सब कुछ निकाल देते, फ़ोन भी वो लोग मना ही करते, बट आपको करना है तो ले सकते हो। Oh my God!
बहुत सारी राइड में बैठने के बाद और थकने के बाद फिर हम आ गए थे वेव्स पूल में। फिर हमने पूरा टाइम वेव्स पूल में ही बिताया और वहाँ पे ही रहे और वहाँ पे ही फन किया था। मीन्स के एंड तक हम वेव्स पूल में ही रहे थे। क्या बताऊँ मैं आपको, मैंने थोड़े थोड़े वीडियोस और क्लिप्स ले लिए हैं, वो मैं डालूंगी अंदर, अगर ज़्यादा ना हो तो प्लीज़ सॉरी, क्योंकि मैं भी एंजॉय करने में इतना, और कई राइडों पे तो वो मोबाइल अलाउ नहीं करते, सो वो राइड कभी ले भी नहीं सकती हूँ इसी वजह से। बट बहुत मज़ा आया, यहाँ से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, बट क्या करें। ओके तो अब हमने कपड़े चेंज कर लिए और अब हम घर जा रहे हैं। बाय बाय प्लीज, बाय बाय वाटर पार्क। यहाँ पे 5:30 को फिनिश हो जाता है, आप 5:30 तक ही एंजॉय कर सकते हैं। मैं आपको रिव्यू तो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एंजॉय करेंगे। थोड़ी राइड्स में थोड़ी ज़्यादा वो होती है कि थोड़ा खड़ा रहना पड़ता है, उसमें टाइम वेस्ट होता है, बट कोई नहीं। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही ब्लॉग में मिलेंगे हम। बाय।